खुद तो मास्क नहीं लगाते, दूसरे को मास्क लगाने को क्यों बोलते हो? इस बीच पेशेंट अगर मर जाए तो इसका जवाबदेही कौन होगा? और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं लगाते हैं मास्क, ये हम खबर दिखाएंगे बात को। लेकिन आपको बता दें कि सरकारी एम्बुलेंस 108 के चालक और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय कुमार सिन्हा का 36 का आंकड़ा रहता है। आखिर ऐसा क्यों? आए दिन शिकायतों के विवादों में घिरे ही रहते हैं ये। आखिर ऐसा क्या है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल में? इस महीने ये चौथी शिकायत, लेकिन शासन स्तर से कोई कार्रवाई नहीं। आपको बता दें कि एम्बुलेंस चालक का ये कहना था कि मैं मेडिकल कॉलेज से लखनऊ केजीएमसी मरीज ले जा रहा था, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, लेकिन उसकी ड्रिप निकाली कि इतने में प्रिंसिपल अभय कुमार सिन्हा आ गए और डाल दिया जरिवाना। जरिवाना तो सबसे पहले वो मेडिकल कॉलेज में कदम रखते हैं तो निगाहें ढूंढती हैं कि किस पर जरिवाना डाले, किसने पुरिया थूकी, किसने गंदगी करी, किसने पान खाया, लेकिन खुद मास्क नहीं लगाया। आखिरकार हम आपको सुनवाते हैं कि एम्बुलेंस चालक की क्या है पीड़ा और क्या था मामला। को एक सुबह आईडी मिली थी 6 बजे, जिसको मुझे लखनऊ ले जाना था। मैं यहाँ से आया, पेशेंट शिफ्ट कर रहा था, उसको लगी थी ड्रिप। मैंने वो ड्रिप की बोतल खाली हो गए थे निकाल के और मैंने रखा साइड में गाड़ी के कि अभी पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे, फिर हम कूड़ेदान में डाल देंगे। इतने में प्रिंसिपल साहब आ गए, बोले ये क्यों गंदगी फैला रहे हो? मैंने कहा सर सॉरी, अभी हम डाल दे रहे हैं, पेशेंट सीरियस है, इसको पहले शिफ्ट कर लें। तो ये नहीं माने, हमको पकड़ ले गए गार्ड के द्वारा अंदर, बोले 200 रुपये रसीद कराओ। मैंने कहा सर खाने के पैसे नहीं, मैं पैसे कहाँ से दूँ? तो ये बोले नहीं, पैसे नहीं दोगे तो नहीं जाने पाओगे, मैं गाड़ी सील करवा दूँगा। 1 घंटे तक ये बहस चलती रही, पेशेंट तड़पड़ाता रहा मगर इन्होंने छोड़ा नहीं। फिर हमारे एक सर आए, वो बोले कि 100 रुपया दे दो और रसीद करा लो। मैंने 100 रुपया देकर रसीद कराया। आप इनसे पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों करते हैं हम लोगों के साथ। तो आपने अपने अधिकारियों को बताया? उच्च अधिकारी को भी बताया, उच्च अधिकारी सुमो सर को लाइन पे ले गए, बात हुई। उसके बाद मैंने 1076 पे कंप्लेंट की है, जिसका कंप्लेंट नंबर हमारे पास है। अगर उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम मुख्यमंत्री तक जाएंगे। और सुना आपने, जब सर से ऊपर पानी हो गया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय कुमार सिन्हा की करतूतों का, तो एम्बुलेंस चालकों ने आपको बता दें 1076 पे भी शिकायत करी और योगी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी कहा है करूंगा शिकायत। लेकिन आपको आगे और हम बताते हैं कि मामला यहीं तक नहीं खत्म हुआ, आगे और क्या क्या कमियां हैं उनके अंदर, ये भी हम सुनवाते हैं एम्बुलेंस चालक की जुबानी। चना खा रहा था, उसको आए 2 मुक्का मार के पकड़ ले गए, उसने 2-2 रुपए सिक्का करके जमा किया, तब जाके उसको छोड़े है। ये कौन सा न्याय है? खुद तो मास्क नहीं लगाते, दूसरे को मास्क लगाने को क्यों बोलते हो? पूरे दिन कल मास्क बिना मास्क के घूम रहे थे, ऐसा क्यों? क्योंकि हम छोटे कर्मचारी हैं, आप बड़े कर्मचारी इसलिए नहीं लगा रहे हो। और बिल्कुल सही कहा एम्बुलेंस चालक उमा शंकर ने, बीते दिन बिना मास्क के घूमते हैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल। आपको बता दें बीते दिन कैमरे में कैद हुआ, ये देखिए जब वो आते हैं, आने के बाद पूरा राउंड करते हैं लेकिन मास्क नहीं लगा होता है, और दूसरों को शिक्षा देते हैं नियम और कानून का पाठ पढ़ाने की, जुर्माना लगाते हैं 100 से 200-500। लेकिन नजारा देखिए, बिना मास्क के घूमते हैं पूरे मेडिकल कॉलेज में, बीते दिन का नजारा है, ये कैमरे में कैद हुआ। क्या इनके ऊपर कोई नियम, कोई कायदा, कोई कानून लागू नहीं होता? कोरोना जैसी गंभीर बीमारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय कुमार सिन्हा को हम दिखा रहे हैं आपको, एक बार फिर देखिए, बिना मास्क के घूमते हैं मेडिकल कॉलेज में और ढूंढते हैं कि किसी ने पुरिया तो नहीं खाई, किसी ने पान तो नहीं खाया, जो रोक कर ठोक दे जुर्माना। लेकिन गैर जिम्मेदाराना रवैया, ये देखिए गैर जिम्मेदाराना रवैया आपके सामने है बिल्कुल। लेकिन आपको बता दें कि सोचना होगा जिलाधिकारी इंद्र कुमार विक्रम सिंह को भी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अभय कुमार सिन्हा के बारे में, क्योंकि आए दिन घिरे रहते हैं विवादों में।